बड़वानी जिला मुख्यालय पर व्यापम घोटाले और बेरोजगारी के विरोध में बेरोजगारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां प्रदेशव्यापी महाआंदोलन में जुटे बेरोजगार युवाओं ने रैली के दौरान दंडवत प्रणाम कर सीएम शिवराज से रोजगार मांगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों बेरोजगार छात्र छात्राओं ने झंडा चौक से रैली निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रोजगार की मांग की है। रैली के दौरान कुछ युवा रास्ते भर दंडवत प्रणाम करते नजर आए। आज इस तरीके से व्यापम में घोटाला हुआ, 21,000 छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। छात्रों पर रैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया से चर्चा में बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सुमेर सिंह बडोले ने बताया कि उन्हें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें बेरोजगारी को लेकर भारत नंबर एक पर है। आज भारत की स्थिति ये है, बेरोजगारी में सबसे नंबर वन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जब एक रिपोर्ट पढ़ी हमने तो उसमें पाया गया कि एक डेढ़ घंटे में 3 बेरोजगार युवा सुसाइड कर ले हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर वन है। जब एक व्यापम की भर पहले व्यापम था उसमें घोटाला होता था, व्यापम का नाम बदल कर उसका पीबी कर दिया, लेकिन पीबी में अभी देखने को बीच में मिला कि एग्रीकल्चर विभाग में जो भर्ती आती उसमें डायरेक्ट पेपर लीक हो गए या पता नहीं कैसे क्या हो, वो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और ये अंदेशा हुआ है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि वे पीबी व्यापम को खत्म करके एक आयोग बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों को भर्तियों के पीछे इधर भागना नहीं पड़े, वो उनका एक टाइमलाइन हो, उसी टाइमलाइन में उनकी भर्ती हो, वैकेंसी निकले और तत्काल रिजल्ट आके उनका मतलब एक नौकरी लग जाए। वो जिला हमने दंडवत पेटके लगाई है और परिणाम क्या है कि मामा आप तो भर्ती निकाल दो, कब तक बेरोजगार युवा इधर उधर भटकते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे। आप भांजे भांजे बोलते हैं तो इन भांजे भांजे आपको बताना चाहते मामा कि आपके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आप तो नौकरी दे दो, कब तक हम भटकते रहेंगे। अब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से हम कोचिंगों में लाखों रुपये खर्च करते हैं और इतना तैयारी कर रात दिन पढ़ाई करने के बाद भी जब पैसे स्कैम हो जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाते हैं, तो सुसाइड करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता है। तो मामा आपके भांजे भांजों को बचा लो, यही निवेदन है आपसे। इसके साथ ही युवाओं ने सरकार से मांग की है कि सारी संस्थाएं खत्म कर आयोग का गठन करें ताकि विद्यार्थियों की गाइडलाइन के हिसाब से भर्ती हो और उन्हें रोजगार उपलब्ध किया जा सके। MP News के लिए बड़वानी से तरुण जैमन की रिपोर्ट।